अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न क्रमांक 7। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाकर के चेक कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है क्या, यह हमको सिद्ध करके बता देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं यहाँ पे। चलो एक हम क्या बना लेते हैं, वर्ग। ओके, तो ये हमारे पास एक वर्ग बना लिया। अब इस वर्ग के किसी एक भुजा पर, चलो मान लेते हैं ये एक भुजा, इस भुजा पर हम बना लेते हैं क्या, तो पहले इसका नामकरण कर देते हैं। तो इसका नामकरण कर देते हैं, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, एंड ये हमारे पास सी, और ये हमारे पास डी हो गया। ठीक है, तो नामकरण कर दिए। अब इसी मान लो कि कोई एक भुजा, तो इस भुजा पर हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा, मैंने समबाहु त्रिभुज बना लिया और इसका नाम दे देते हैं एन। ठीक है, अब उसके बाद कहता है क्या कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, तो भैया एक विकर्ण हम खींच लेते हैं, ये हमारे पास विकर्ण है, और इसी विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है क्या, ये हमको पता करना है। तो इस वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो चलिए हम बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ से अब इसको हम मिला देते हैं, तो ये हमने बना लिया। अब बताइए ये जो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये वाला पार्ट है ना, क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर करके देखना कि ये आधा है या नहीं है, है ना। कहता है ना कि किसी समबाहु त्रिभुज के एक विकर्ण की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये आधा होता है या नहीं, ये हमको सिद्ध करके बता देना। तो इसका नाम दे देते हैं एम, क्या है एम। चलो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सिद्ध क्या करना है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है वो देख लो। ठीक है, तो भैया हमको जो भैया सिद्ध करना है वह एरिया त्रिभुज, ठीक है, एरिया त्रिभुज डी सी एन, क्या है डी सी एन बराबर एरिया त्रिभुज डी बी एम, डी बी एम है ना, डी बी एम इसका आधा होता है कि नहीं, यानी एक बट्टा दो, क्या होगा एक बट्टा दो का आधा, आधा का मतलब एक बट्टा दो होगा ना, तो ये एक बट्टा दो हमने लिख दिया, तो यही हमको सिद्ध करके बता देना है। अब यहाँ से क्या करेंगे भैया, देख लो सबसे पहली बात है कि कहता है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, क्यों, क्योंकि इसका समबाहु त्रिभुज के सभी कोण जो होते हैं, ये कोण 60, ये कोण 60, ये कोण भी 60, तो इसके भी ये कोण 60, ये कोण 60 और ये कोण 60, तो सभी कोण तो आपस में बराबर, इनके संगत कोण, तो कोण कोण की मदद से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। तो यहाँ पे कोण कोण की मदद से, कोण 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 यानी एंगल एंगल से, ठीक है, एंगल एंगल से भैया दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज डी सी एन समरूप हो गए त्रिभुज डी बी एम के। भैया आपको पता है कि जब ये समरूप हो गया है ना, तो समरूप जब हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात यानी एरिया त्रिभुज डी सी एन क्या होगा, डी सी एन, ठीक है, और बटे में एरिया त्रिभुज डी बी एम, एम एम लिख दीजिए, बी होगा है ना, डी बी एम, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, इनकी जब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो भैया इनकी संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो चलिए इनकी संगत भुजा निकाल लेते हैं, सबसे पहले डी सी बट्टे में क्या होगा डी बी, तो हम लिखते हैं डी सी बट्टे में डी बी, क्या होगा डी सी बट्टे में डी बी का वर्ग, ओके, बराबर सी एन, क्या होगा सी एन, सी एन बटे में बी एम, तो ये रहा बी एम, अब इसका हम कर देंगे क्या वर्ग, बराबर डी एन, डी एन बटे में क्या हो जाएगा डी एम, इसका वर्ग,
ठीक है, यही ना होता है कंडीशन। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, डीसी और डीबी निकालेंगे। तो डीसी और डीबी कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे देखोगे डीसी डी और ये सी, तो ये भुजा है, ठीक है, तो ये एक त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ तक एक समकोण त्रिभुज समझो, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें डीसी अगर मान लेंगे कि माना डीसी एक्स है, क्या मान लिया कि डीसी एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, क्यों, क्योंकि एक पूरा ये वर्ग का एक भुजा है ना, तो वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, अगर ये एक्स मान लेंगे तो ये भी एक्स पूरा एक्स हो जाता है, तो ये एक्स तो ये भी एक्स, ठीक है। अब ये एक्स तो ये भी एक्स हो गया, तो हम अगर डी बी निकालना चाहेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय की मदद से ये क्या हो जाएगा, कर्ण होगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये लंब ये आधार हो जाएगा, तो हम उसी की मदद से निकाल लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्या है, डी सी बी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में, ठीक है, डी सी बी में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय की, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास डी बी है, तो ये डी बी, अगर स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो इधर रूट पड़ जाएगा, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब यानी एक्स स्क्वायर, आधार यानी ये भी एक्स ही है, तो एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। अब डी बी निकालेंगे, एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम रूट से बाहर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट अंडर दो एक्स होगा, यही ना होगा, ठीक है। अब हम इसमें मान पुट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिद्ध करना था ये वाला पार्ट हमको, यहाँ पे लिख लेना प्रमाण, प्रमाण, क्योंकि यहाँ से हम सिद्ध करना स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। अब देख लो, यहाँ से हम क्या करते हैं, एरिया त्रिभुज डी सी एन बटे में एरिया त्रिभुज डी बी एम, ओके, बराबर डी सी का मान कितना एक्स है, तो एक्स लिखेंगे, और बट्टे में डी बी का मान कितना, डी बी का मान रूट अंडर टू एक्स, ठीक है, वर्ग है तो वर्ग लगा दो, ठीक है। अब देख लो, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स से ही एक्स तो कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर बचेगा एक, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया त्रिभुज है ना डी सी एन, ओके, और बट्टे में एरिया त्रिभुज डी बी एम बराबर, देखो एक का वर्ग करेंगे तो एक होगा, और रूट अंडर दो का वर्ग करेंगे तो भैया दो होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं भैया, कि ये वाला पार्ट देखो, बट्टा का मतलब देखो, ये जो बट्टा का मतलब भाग होता है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये ज्यों का त्यों रहने देंगे, इसको इससे गुना कर लेंगे तो उधर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं भैया, एरिया त्रिभुज डी सी एन, ठीक है, बराबर ये वाला पार्ट ज्यों का त्यों, अब इस वाले पार्ट को जो नीचे हमारे पास है इसे हम इसमें गुना कर देते हैं, यानी एक बट्टा दो में गुना कर देंगे एरिया त्रिभुज डी बी एम, और यही तो हमको सिद्ध करना था, और ये सिद्ध हो गया है कि नहीं, देख लो, यही ना सिद्ध करना था, एरिया त्रिभुज डी सी एन बराबर एक बट्टा दो एरिया त्रिभुज डी बी एम, और वो हमारे पास आ गया, ये हो गया भैया प्रूफ, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।